नमस्कार, मिथिला मस्जिद में आपका स्वागत है। मैं मनोज। हम ऐसे पर्सनालिटी से भी आपको मिलाते हैं जिनका इस समाज में अपने कार्य के प्रति लोगों में जागरूकता लाना एवं उनकी समस्याओं को निदान करने का एक सपना है। वो सपना पूरा करने के लिए हम बता दें, ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस नाम की संस्था जिसे आप लगातार देख रहे होंगे, कोरोना संक्रमण काल में दरभंगा में ज्यादा कार्य किए, इनके कई कार्य हैं। आज हम आपको मिलाते हैं, हमारे साथ रोहित सिंह जी। रोहित जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, मिथिला मंच के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। रोहित जी, आप ये सोशल जस्टिस को लेकर के आप चल रहे हैं क्योंकि समाज में इसी की आवश्यकता है। लोग अपने अधिकार को नहीं समझ रहे हैं, उनको जो सरकार के द्वारा जो बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, चाहे कोर्ट में हो चाहे केसेस मामले में हो, या उसको नहीं समझ, अब उसको जागरूक करें, तो ये आपका प्रथम बिंदु क्या है, इसका उद्देश्य? ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस जो संगठन है, हम लोग भी जागरूकता पे ही सबसे पहले फोकस करते हैं। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है कि अगर पब्लिक जागरूक होगी तो अपने अधिकार को खुद हासिल कर लेगी, इसलिए उनका जागरूक होना जरूरी है। चाहे आप राज्य सरकार की बात करें, चाहे केंद्र सरकार की बात करें, वो भी पूरी तरह से जागरूकता पे, कोई भी योजना भी लाती है तो उनकी कोशिश रहती है कि हम जागरूकता फैलाएं। तो हमारी भी कोशिश रहती है कि हम विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जागरूक करें कि उनका अधिकार क्या है, वो अपने अधिकार को कैसे पा सकते हैं, क्योंकि भारत के संविधान में आम नागरिक को सबसे ज्यादा पावर मिला है। वो सरकार बनाते हैं, वो सरकार हटाते हैं, वो अपने लिए कुछ भी कर सकते हैं, पूरी की पूरी अधिकार सिर्फ जनता के हाथ में है। क्योंकि हम अपने अधिकारों को नहीं जानते, नहीं समझते हैं, हर बिंदु से अनभिज्ञ रहते हैं, इसीलिए दूसरे लोग हमें शोषित करते हैं। इसलिए जरूरी है उन्हें जागरूक रहना, और हमारा मेन काम भी यही है कि हम लोगों को जागरूक करें। खासकर हम बता दें, गरीब अशिक्षित लोगों में सबसे ज्यादा समस्या आ रही है, जमीन विवाद, केस लड़ना, कई तरह के विवादित जो मुद्दे होते हैं उसको लेकर उनको आइडियाज नहीं होते हैं, वो जा भी नहीं पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में जो आप सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, जो आपके झारखंड और बिहार के कोर्ट से आपको अप्रूवल मिला और आप उस पर कार्य करते हैं, तो किस तरह जागरूक करते हैं उन लोगों को, क्या सुविधा देते हैं आप लोगों की तरफ से दिया जाता है? देखिए, लोगों को सुविधा देने के लिए बहुत सारी सिस्टम सरकार की बनी हुई है। कोर्ट के द्वारा भी एक सिस्टम है, नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो कि पूरे देश में, राज्य में और जिला स्तर पे अलग अलग, जो कोर्ट का ही एक अलग विंग्स होता है, जो कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाके उसके नाम में थोड़े से जिला का नाम जुड़ जाता है, उनका एक सिस्टम है जो कि वो लोगों को जागरूक करते हैं, लोगों के अधिकार के लिए बात करते हैं, और साथ में उसमें यह प्रावधान है कि अगर किसी लोगों को, अगर किसी भी तरह से केस लड़ने में गरीब लोगों को दिक्कत हो तो उनको वो सहायता प्रदान की जाती है। हम लोगों का भी यही काम है कि हम लोग लोगों तक यह जागरूकता फैला रहे हैं कि अगर कोई गरीब आदमी है, उनके घर में किसी भी तरह का कोई केस, कोर्ट केस चल रहा है और वो असमर्थ होते हैं, वकील के फी देने में असमर्थ होते हैं, तो उनको बहुत दिक्कत होती है। वो लोग जो भी अपना खेत में जाके उपजा करते हैं उसे बेचने के बाद वो आके वकील को दे देते हैं। ऐसी स्थिति में कोर्ट ने पूरा एक प्रावधान है जिसमें आपको सरकार की तरफ से वकील मुहैया कराया जाएगा, जिसकी फी आपको नहीं देनी होगी, वो सरकार की तरफ से आपका केस लड़ा जाएगा। ऐसे कई प्रावधान है क्योंकि लोग नहीं जानते, अनभिज्ञ है, तो लोग दूसरे तरफ जाके या अलग अलग वकील खुद से वायर करते हैं। तो इस तरह की चीजों पर हम लोग भी काम कर रहे हैं और कोर्ट अपने तरीके से भी नालसा काम कर रही है। आप चूंकि सामाजिक कार्य में ज्यादा रहते हैं, आपने कोरोना संक्रमण के दौरान भी आपने कई गरीब लोगों को या फिर पीड़ित लोगों तक आपने जिला प्रशासन, जिला पुलिस के साथ मिलकर के आपने मास्क, सैनिटाइजर भी बांटे। कई गरीब लोग थे जो उस समय लॉकडाउन में खाने के लिए उनको दिक्कत था, आपने अनाज भी उनको बांटा लगातार देखा गया था। तो इसके अलावा आप अनाज बैंक की बात कर रहे हैं, वो क्या है, स्कीम क्या है आपका? देखिए, हमारा क्योंकि हम लोग सामाजिक कार्य करते हैं, अपने आप को समाज सेवक कहते हैं, तो समाज सेवक का मतलब ही होता है कि उन लोगों तक पहुंचना या उनका सेवा करना जो सबसे अंतिम पायदान में है। अक्सर आप राजनीतिक कार्यक्रमों में सरकार की तरफ से भी बात देखेंगे कि वो कहते हैं कि हम अंतिम पायदान के लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको उनकी जरूरत को पूरा करना बहुत जरूरी है। भोजन, कपड़ा, मकान, ये उनकी जरूरत है, हम सरकार नहीं है, ना ही हमारे पास उतनी सोर्स है, संसाधन है कि हम उनकी इस जरूरत को पूरा कर सके। फिर भी हमारी एक कोशिश ये है, जैसे कि लॉकडाउन के टाइम में हम लोगों ने शुरू किया था कि लोगों तक राशन पहुंचाया जाए, हमने सूखा राशन पहुंचाया ताकि लोग अपने तरीके से बना के खा सके, जो जरूरत लोगों की हो सके पूरा करने की पूरी पूरी कोशिश की जितना हमसे संभव था। अभी हम लोग एक योजना पे काम कर रहे हैं, भोजन बैंक, आप विभिन्न नामों से कई सारी चीजों आप देखेंगे लोग कर रहे हैं, हम लोग भी एक भोजन बैंक की योजना है जिसमें हमारा मकसद ये है
कि कई सारे लोग हैं जो शहर की तरफ इलाज कराने के लिए किसी कोर्ट केस के कारण से या विभिन्न कारणों से शहर की तरफ मजबूरी बसाते हैं, वो घूमने शॉपिंग करने नहीं आते, वो मजबूरी बसाते हैं, उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता है कि वो बस का किराया भी सही से दे सके, वो आसपास से कर्ज लेके आते हैं। उन लोगों को जो क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता, वो कर्ज लेके आए, उन्होंने अपना कोर्ट का केस पूरा किया, जो हाजिरी लगानी है कि किया या अपना इलाज कराना है किया और फिर लौटे, उनको खाने की दिक्कत होती है। वो छोटे 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 रोड किनारे नाले किनारे बने हुए जो ढाबे या जो भी सिस्टम है उसमें जाके खाना खाते हैं और कई बार नहीं भी खाते, भूखे लौट जाते क्योंकि पैसे नहीं होते। हमारा हमारे संगठन का सोचना है कि हम लोग एक ऐसी व्यवस्था हर जिला दर में करें जहां पे प्रशासन के सहयोग लेने की कोशिश भी हमारी टीम करेगी, ताकि वहां पे जैसे कोर्ट आने वाले लोग हैं उन लोगों को हम गरीब लोगों को खाना उपलब्ध करा सके, कम से कम एक समय का खाना तो निश्चित हम उपलब्ध करा सके, ताकि वो निश्चिंत होकर यहाँ आए, अपना काम को पूरा करे और उसके बाद वो अपना पेट को भर सके। ये काम करने के लिए हम लोग वचनबद्ध हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आप डॉक्टरों को सम्मानित करने का एक बड़ा मेगा जो है आयोजन कर रहे हैं आपस में, तो जिसमें आपने कहा कि देश और विदेश के भी कई डॉक्टर सारे इंडिया के भी आ रहे हैं, तो इनका मकसद क्या है और इससे क्या बिहार वासियों को क्या बेनिफिट, और मेडिकल क्षेत्र के जो डॉक्टर्स उनको क्या बेनिफिट मिल सकता है इससे? देखिए, इसके कई सारे फैक्टर हैं, अगर मैं इसको पूरी तरह से बताऊं तो हम लोग एक कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें हम सुपर हीरो अवार्ड दे रहे हैं डॉक्टर्स को, सिर्फ डॉक्टर्स के लिए है। उसमें हम लोग डॉक्टर्स को अलग अलग पूरे देश से डॉक्टर्स आ रहे हैं। अब इसमें अगर बिहार के नज़र से देखें तो इसमें लगभग ऐसे डॉक्टर्स हैं जो बिहार को टीवी के जरिए देखते थे, न्यूज के जरिए देखते थे, तो बिहार कभी आए नहीं, वो पहली बार बिहार आ रहे हैं। उनके अंदर कई सारी चीज़ों का के लिए डर भी है, पशुपेश है, तो वो जब बिहार आएंगे तो बिहार की एक बदली हुई तस्वीर दिखेगी, क्योंकि जो न्यूज में दिखता है और बिहार असलियत में फर्क है। हम संस्कारों की धरती हैं, विद्वानों की धरती हैं, तो यहाँ पे उनको वो चीजें देखने को मिलेगा। दूसरा कि क्योंकि इतने सारे डॉक्टर्स आएंगे या इतने सारे लोग आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो लोग जुड़े हैं होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, रेस्टोरेंट से जुड़े हुए हैं, ऑटो टैक्सी से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी कुछ काम आएगा, ये तो निश्चित सी बात है। दूसरा हमारा मकसद इस अवार्ड सेरेमनी के पीछे यही है कि डॉक्टर्स ने जो योगदान दिया है कोरोना के टाइम में, कई डॉक्टर्स इस दुनिया में नहीं रहे, हम उन्हें नमन करते हैं, कई परिवार ने अपने लोग खोए हैं, तो जब डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, सुबह शाम काम कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि आज वो गए हैं कल उनके साथ कोई घटना ना हो जाए, ऐसे डॉक्टर्स को सम्मानित करना बहुत जरूरी है, उन्हें प्रोत्साहित करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज कि जितने डॉक्टर्स ने योगदान दिया है उसकी संख्या बहुत है, उन्हें एक मंच पे बुलाना संभव नहीं है। तो ये अवार्ड सेरेमनी कई फेज में होंगे, ये पहला फेज है जिसमें हम कुछ सीनियर डॉक्टर्स को, चुनिंदा डॉक्टर्स बुला रहे हैं, लेकिन कोशिश होगी कि अधिक से अधिक डॉक्टर्स को हम सम्मानित कर पाए, ताकि उन्हें सम्मानित करके हम खुद सम्मानित होंगे, क्योंकि ऐसे डॉक्टर्स को बुलाकर और सम्मानित करने से, वो हमारे इस धरती के दूसरे भगवान हैं, तो हमें लगेगा कि हम लोग सम्मानित हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो किया है वो सलाम के योग्य है। तो हम बता दें, हमारे साथ रोहित सिंह हैं जो लगातार इस मानवता के, और हम बता दें कि कोई भी व्यक्ति अगर अपना उसका नाम या उसका दायित्व पूरी तरह निर्वहन होता है, तो वो चाहता है कि समाज में हम बेहतर तरीके से योगदान दें और अपने योग्यता से, अपने संसाधनों से उसकी हम मदद करें, जिसमें रोहित जी लगे हुए। एक बड़ा मेगा जो कार्यक्रम है उनका, इनका सपना भी है, और ये पहली बार जब सुनील सेट्ठी यहाँ पर आएंगे और डॉक्टर अवार्ड देंगे, तो उन लगेगा बिहार वासियों को भी कोई ऐसा कार्यक्रम हुआ और इसे और भी डॉक्टर प्रेरित होंगे। अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे आप तमाम लोगों को? क्योंकि मैं समाज सेवक हूँ तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और हम सब परिवार रिश्ते नाते से बंधे हुए लोग हैं। अगर हम लोग अपने परिवार रिश्ते नाते के अलावा अपने पड़ोसी, अपने सामने रहने वाले, सड़क पे हमारे सामने भूखे लोग, हमारे सामने किसी का अगर एक्सीडेंट हो जाता है, अगर हम अपने ही जैसे दूसरे मनुष्य को प्यार दें, सम्मान दें, उनका केयर करें, उनके बारे में सोचें और एक दूसरे को सहयोग करना फिर से शुरू करें, क्योंकि हमारा भारत इसी की धरती है, तो समाज में गरीबी निश्चित ही खत्म हो जाएगी, भेदभाव निश्चित ही खत्म हो जाएगा, और हम लोग सामाजिक प्राणी हैं तो पूरा विश्व एक समाज बनेगा, हमें ये कोशिश करनी चाहिए। तो हम बताते हैं, सामाजिकता और नैतिकता कई लोग कहते हैं कि किताबों में ही रह जाती है, लेकिन जब आप
धरातल पर उतरेंगे तो आपको ऐसे लोग मिल ही जाएंगे, ऐसी संस्था मिल जाएगी जो इस समाज में सामाजिकता और नैतिकता के पल पर हजारों लोगों की न सिर्फ जीवन बताते हैं बल्कि उनके जीवन यापन के संसाधन को भी जुटाते हैं। और ये सबसे बड़ी मानसिकता है और ऐसे में आगे आने के लिए तमाम लोगों को प्रेरित करता है इनका ये संस्था मानवाधिकार और सोशल जस्टिस। धन्यवाद। धन्यवाद। देखते रहिए यूट्यूब में, सब्सक्राइब कर हर अपडेट खबर।